Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज भी स्मैकडाउन के बारे में और स्मैकडाउन को सोचते हुए काफी सारे क्वेश्चंस थे। फीड का अगला चैलेंजर कौन होगा, पॉसिबली रिवील हो चुका है। टाइसन फ्यूरी शो पर क्या करने आ रहे थे, किंग कॉर्बिन के सामने रोमन रेंज का कैसा मैच था, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होगा। गाइस आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि इस बात की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शो की शुरुआत होती है किंग कॉर्बिन के साथ और गाइस ये ऐसा सेगमेंट था जिसके बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब WWE जब ऐसी चीजों को बुक करती होगी तो वो खुद क्या सोचती होगी। मेरे दिमाग में यही सवाल आया इस वाले सेगमेंट को देखकर। किंग कॉर्बिन यहाँ पर आते हैं, रोमन रेंज के बारे में बात करते हैं कि देखो हमारे ऊपर इन्वेजन हो गया, उस समय रोमन रेंज कहाँ थे जो कि अपने आप को लॉकर रूम का लीडर कहते हैं और अभी भी रोमन रेंज पहुंचे नहीं है। तो वो यहाँ पर रोमन रेंज की काफी बुराई करते हैं कि उनके एक्लेट्स को बताते हैं उन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रोमन रेंज कुछ भी नहीं है और फिलहाल तो वो एक बिग डॉग बिल्कुल भी नहीं है। और वो क्या है वो चीज वो दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखो टाइटन ट्रंक स्क्रीन के ऊपर एक डॉग वाले एनिमेशन प्ले करते हैं जहां पर कुत्ता भौंक रहा होता है। कुत्ता भौंक नहीं रहा होता, कुत्ता रो रहा होता है, मतलब छोटा पिल्ला जैसा होता है ना, जैसे वो रोता है उस तरीके की वहां पर कुछ एनिमेशन थी और साउंड भी था। ऐसी चीज बहुत ही ज्यादा फनी थी, मतलब बिग डॉग वाला कैरेक्टर पर उसको ऐसा दिखा रहे हो, ये बहुत ही अजीब चीज है और इस पर ट्रोल भी काफी ज्यादा होने वाला है वो मुझे पता है। किंग कॉर्बिन तो इस पर हंसते हैं और क्राउड वहां पर हंस रहा होता है, बू कर रहा होता है, कितने क्रिंजी वाला सेगमेंट था मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर WWE ये चीज इसीलिए करी ताकि जो हीट है रोमन रेंज और बैरन कॉर्बिन की फ्यूड में उसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके और मेन इवेंट मैच होने वाला था, लेकिन क्योंकि अभी तक रोमन रेंज एरिना में नहीं पहुंचे थे तो भाई किंग कॉर्बिन ने अपनी पूरी मनमानी करी। अगला मैच में देखने को मिलता है स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल्स के लिए द रिवाइवल वर्सेस द न्यू डे के बीच, और न्यू डे में यहाँ पर आपको पता है जेवियर वुड्स तो है नहीं, तो बिगी और कोफी किंगस्टन ने मैच को रेसल किया। और गाइस मैंने आपसे कहा था कि सर्वाइवर सीरीज से पहले हमें मेजर टाइटल चेंज देखने को मिलता है, अब वो उस टाइटल के लिए होगा ही नहीं होगा जिसके मैंने आपको बताया था उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टाइटल चेंज होगी। और गाइस न्यू डे ने रिवाइवल को हरा दिया और वो बन चुके हैं हमारे नए चैंपियंस। और जो सर्वाइवर सीरीज का मैच था जो लोग कह रहे थे कि यार ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है, कितना तगड़ा मैच है, कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे कि मैच बेकार हो चुका है, मतलब ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी WWE का डिसीजन है और सर्वाइवर सीरीज से पहले मेजर टाइटल चेंज। और ये वाली जो विक्ट्री थी वो उन्होंने एक तरीके से जेवर वुड्स के लिए दी, तो कह सकते हैं न्यू डे वालों के लिए काफी खुशी का माहौल है। इसके बाद हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन का, सैमी ज़ेन एक बार फिर से आते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो मैच था ना स्मैकडाउन में एडम कोल के साथ जो मेन इवेंट में था NXT चैंपियनशिप के लिए, अगर तुमने हमें ज्वाइन कर लिया होता तो शायद वो तुम मैच नहीं आते और ज्यादा सोचो मत हमें ज्वाइन कर लो, मतलब डैनियल ब्रायन को पटाने की यहाँ पर पूरी कोशिशें हैं सैमी ज़ेन की, बट स्टिल डैनियल ब्रायन वहां पर कंफ्यूज दिखे और उन्होंने अपना क्लियर डिसीजन नहीं बताया। नेक्स्ट में हैवी मशीनरी देखने को मिलते हैं जो कि रिंग में अपनी एंट्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एंट्रेंस करने के दौरान ही हमने देखा कि NXT UK यानी कि वॉल्टर जो कि चैंपियन है उन्होंने अपनी टीम के साथ आकर अटैक कर दिया हैवी मशीनरी के ऊपर और इन्वेजन वाला जो एंगल था वो कंटिन्यू था। और क्योंकि भाई जो ये WWE है इस समय जो हमने स्मैकडाउन देखा वो UK से आ रहे थे तो UK का इफेक्ट तो हमें देखने को मिलने ही वाला था, तो WWE ने यहाँ पर इन्वेजन वाला एंगल दिखाया, लेकिन बाद में जाकर हम लोगों ने देखा कि स्मैकडाउन में काफी सारे सुपरस्टार्स आते हैं और UK वालों को भाई भागना पड़ जाता है। अगला मैच में देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा एंड सिजारो और उनके अपोनेंट में होते हैं शॉर्टी जी एंड अली, और गाइस यहाँ पर भी जो है सैमी ज़ेन होते हैं और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि क्या पता डैम बैन पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें रैंप पर देखने को मिलते हैं जीत तो यहाँ पर हो ही जाती है नाकामुरा और अली की, क्योंकि यहाँ पर भाई जो शिंसुके नाकामुरा और सिजारो वाली टीम है उसको ऐसा लग रहा है कि WWE उसको आगे दिखा रही है। लेकिन गाइस मैच खत्म होने के बाद हम लोगों ने देखा डैनियल ब्रायन का एक बार फिर से मूड अजीब सा बना और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया सैमी ज़ेन वाली टीम को, सिर्फ समझ नहीं आ रहा था कि WWE यहाँ पर करना क्या चाह रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे शो बढ़ा हमें पता लग गया कि WWE क्या करना चाह रही है डैनियल ब्रायन के साथ। नेक्स्ट में मैच देखने को मिलता है साशा बैंक्स वर्सेस निकी क्रॉस के बीच, और वहां पर उनके साथ बेली भी मौजूद होती है, मैच ठीक ठाक था अच्छा चला और सबमिशन मूव के सहारे से यहाँ पर साशा बैंक्स ने निकी क्रॉस को हरा भी दिया, लेकिन गाइस मैच खत्म होने के बाद जब बेली निकी क्रॉस के ऊपर अटैक करती है तभी वहां पर एक बार फिर से शेना बेज़लर आती है और उन्होंने बेली को यहाँ पर एक बार फिर से धो दिया। अब क्योंकि हमें पता है कि सर्वाइवर सीरीज में जो मैच है वो तो होना ही है ट्रिपल थ्रेट, यहाँ पर बैकी लिंच और शेना बेज़लर और बेली होने वाली है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शेना बेज़लर तो बेली के पीछे पड़ी चुकी है और एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने अटैक करके बता दिया कि वो भी एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे रही है अपने मैच से पहले। अब वैसे देखा जाए तो दोनों रोस्टर के ऊपर बेली और हम कह सकते हैं बैकी लिंच को लोग काफी तरीके से जानते हैं, वैसे अगर आप लोग NXT को फॉलो करते हो तो आपको शेना बेज़लर को भी जानना चाहिए, लेकिन ये चीज क्लियर पता लग रही है कि WWE NXT को भी ऐसा ब्रांड दिखा रही है कि वो सच में थ्रेट हो सकता है रॉ स्मैकडाउन के लिए, वरना वैसे करना भी चाहिए ऐसा, वरना तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर NXT को वीक ही दिखा रहे हैं तो फिर कोई इंटरेस्ट लेगा भी नहीं, लेकिन शेना बेज़लर ने भाई एक बार फिर से बेली के ऊपर हाथ साफ कर दिया। एक बार फिर से हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन एंड डैनियल ब्रायन, और गाइस यहाँ पर इस बार फिर से सैमी ज़ेन मनाने की कोशिश करते हैं कि देखो मुझे पता है तुमने अपना मन बना लिया है, अब तुम मुझे ज्वाइन कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुम क्यों सोच रहे हो इतना, सिजारो को देखो नाकामुरा को देखो वो कितनी ज्यादा हैप्पी है, लेकिन गाइस हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्लिच वाला इफेक्ट देखने को मिला
और मैं समझ गया कि ये चीज तुम्हें एक ही टाइम पर देखने को मिलती है जब कोई बंदा हो रहा होता है, और गाइस उसके बाद जब दोबारा से लाइट जलती है तो सारी रेड लाइट हो जाती है, सैमी ज़ेन वहां से भाग जाते हैं और गाइस डैनियल बैन के सामने होते हैं द फीन्ड, और वहां पर उन्होंने डैनियल बैन के ऊपर में मैंडिबल क्लॉ लगाया। यहाँ पर इस समय क्या समझ में आ रहा है आप लोग समझ गए होंगे, अब शायद हमें पॉसिबली देखने को मिलेगी डैनियल ब्रायन और द फीन्ड के बीच। हमें लग रहा था कि फीन्ड को किसके सामने डाला जाएगा, कैसा ओपोनेंट होगा, क्या यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। हालांकि अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो फीन्ड है वो किसी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन वो पहले का जमाना था जब फीन्ड किसी के ऊपर अटैक करते थे उसका सेंस नहीं बनता था। अब क्योंकि WWE को फीन्ड को स्टोरी लाइन के अंदर बुक करना, तो यहाँ पर ये चीज ऐसा लग रहा है कि शायद डैनियल ब्रायन और फीन्ड के बीच आगे चलने वाली है, और सर्वाइवर सीरीज के लिए वैसे भी फीन्ड का कोई ओपोनेंट नहीं था, तो शायद हमें यहाँ से कुछ हिंट मिला है। और सैमी ज़ेन की जो कोशिश थी डैनियल ब्रायन को अपने साथ लाने की वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन फीन्ड को शायद कुछ लेना देना है डैनियल ब्रायन से, और वो देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन लाइव के शोज के अंदर या फिर स्मैकडाउन के शोज के अंदर लाइव में बता देना चाहिए क्या कुछ होता है फीन्ड और डैनियल ब्रायन के बीच। लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि फिर भी एटलीस्ट कुछ बेटर मिला फीन्ड को, मैं सोच रहा था कि कहीं किसी जॉबर से लड़वा दे, लेकिन फिर भी स्टिल डैनियल ब्रायन एक अच्छे ओपनर हो सकते हैं, और क्या पता किसी को आगे जाकर वो कितना बड़ा थ्रेट बन सकते हैं द फीन्ड के लिए। वैसे मैं पता है कि फीन्ड कितने ताकतवर है और उनसे टक्कर ले पाना भाई आसान बात नहीं है। नेक्स्ट में देखने को मिलते हैं जिप्सी किंग टाइसन फ्यूरी को अपने एंट्रेंस करते हैं, और गाइस वो यहाँ पर सबसे पहले तो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने क्या कुछ करा, सऊदी अरब में उनका क्राउन जूल में मैच था, उन्होंने काफी तारीफें भी यहाँ पर करी, और उन्होंने कहा उनको अनफिनिश्ड बिजनेस पसंद नहीं है, उन्होंने अपने मैच की भी बात करी और कहा उनका अनफिनिश्ड बिजनेस यहाँ पर भी है और वो एक सुपरस्टार के साथ है, और तभी उस सुपरस्टार का थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि ब्रॉन स्ट्रोमैन थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में आते हैं और शायद ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी वगैरह हो सकती है, लेकिन देख जिस तरह से टाइसन फ्यूरी पहले से ही खुश होकर आ रहे थे पता लग रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो यहाँ पर थैंक यू करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और उन्होंने कहा मुझे पता लगा कि तुम मॉन्स्टर हो और ये चीज तुमने क्राउन जूल में प्रूव भी करी, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी हमें फिर से लड़ने का मौका मिले तो वो एक टैग टीम मैच में होगा। तो इसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं भाई एक बात बताओ कौन इतना स्टूपिड होगा जो कि हमारे साथ टैग टीम मैच में लड़ना चाहेगा जिसको टाइसन फ्यूरी भी हंसते हैं। और कभी गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है स्टूपिड टीम का जो कि है बी टीम, और उस स्टूपिड उन्होंने खुद ही अपने आप को कहा, उन्होंने कहा कि हाँ हम स्टूपिड इनफ है तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, और गाइस उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने सबसे पहले तो रिंग साइड के ऊपर दोनों को मारा, और उसके बाद रिंग के अंदर भी टाइसन फ्यूरी ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने अपने शिकार पकड़े और दोनों ने अपने फिनिशर हिट किए, और कह सकते हैं कि क्राउन जूल में जो थोड़ी सी हीट हो गई थी ब्रॉन स्ट्रोमैन और टाइसन फ्यूरी के बीच उसको क्लियर करने के लिए WWE ने स्मैकडाउन के शो में ये वाले सेगमेंट को रखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइसन फ्यूरी को आप लोग एक्सपेक्ट मत करो WWE के अंदर अभी, क्योंकि पहले तो उन्हें अपना बॉक्सिंग मैच करना था तब तक तो वो और भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हाँ उसके बाद WWE में उनका कोई फ्यूचर है, लेकिन फिर भी आज वाला सेगमेंट देखकर मुझे काफी खुशी हुई, और ब्रॉन स्ट्रोमैन की जो बेइज्जती वगैरह हुई थी उस पर भी थोड़ा बहुत मरहम लग गया है। नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है सोनिया डेविल एंड मैंडी रोज वर्सेस कार्मेला एंड डीना ब्रूक के बीच, और इस मैच को ज्यादा कोई मतलब था नहीं, इस मैच में कार्मेला एंड डीना ब्रूक ने जीता सी थी। शो के मेन इवेंट की तरफ बढ़े तो गाइस यहाँ पर मैच था किंग कॉर्बिन वर्सेस रोमन रेंस के बीच, और किंग कॉर्बिन के एंट्रेंस पर ही रोमन रेंस का गुस्सा काफी ज्यादा भड़क जाता है, पहले से ही दोनों लड़ने लग जाते हैं और उसके बाद जब भी मैच स्टार्ट होता है तो इस मैच की अच्छी बात मुझे लगी कि मैच पहले से स्लो नहीं था, मतलब हमें लगता है ना कि जैसे मैचेस है वो स्लो वगैरह चल रहे हैं, इस मैच की पेस जो है वो शुरुआत से ही काफी अच्छी थी, रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन के बीच में या फिर किंग कॉर्बिन के बीच में काफी सारे क्लोज फॉल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैच के एक मोमेंट पर यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाती है डॉफ जिगलर एंड रॉबर्ट वुड या फिर बॉबिन का जो भी बोलना है, और हम लोगों ने देखा कि उस समय तो समवन ड्रॉप और सुपरमैन पंच इन दोनों को लगा देते हैं, लेकिन गाइस इसका जो फर्क है वो बाद में जाकर पड़ता है जब हम लोगों ने एक बार फिर से देखा कि रोमन रेंस काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही उन्होंने रिंग के पीछे भी जिगलर को स्पीयर लगाया और सुपरमैन पंच ने एक बार फिर से लगाया रॉबर्ट वुड को, लेकिन गाइस जैसे ही रोमन रेंस मैच में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं तब एक किंग कॉर्बिन का एंड ऑफ डेज पड़ता है, और गाइस 1 2 3 रोमन रेंस क्लीन पिन हो गए, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस थी बट स्टिल उन्होंने पिन कर दिया रोमन रेंस को, और ऐसे बहुत ही ज्यादा बड़ी विक्ट्री किंग कॉर्बिन के लिए, मतलब आप लोग कह सकते हो कि ऑफिशियली किंग कॉर्बिन वो सुपरस्टार बन चुके हैं जिनको सीरियसली ले रही है WWE, और भाई जिसको WWE सीरियसली ले रही है उसको हमें भी सीरियसली लेना पड़ेगा, और मैंने आपसे कहा भी था गाइस कि रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन की अगर फ्यूड आगे बढ़ानी है तो फिर यहाँ पर रोमन रेंस की हार हो सकती है, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पर कुछ ऐसी देखने को मिला, हालांकि मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस को ज्यादा टाइम नहीं लगा, वो खड़े जरूर हो गए, और इस पर किंग कॉर्बिन काफी ज्यादा खुश थे, तो कह सकते हैं कि रोमन रेंस और किंग कॉर्बिन की फ्यूड यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि रोमन रेंस को पिन किया गया तो यहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि एंड में जाकर रोमन रेंस इसका बदला ना लें, ये चीज तो डेफिनेटली होगी, लेकिन फिर भी आज के एपिसोड में कह सकते हैं एक बड़ी विक्ट्री थी किंग कॉर्बिन के लिए, और थोड़ा सा कह सकते हैं डिसअपॉइंट होने वाली बात होगी रोमन रेंस के फैंस के लिए, मतलब रोमन रेंस ने अंडरटेकर को पिन किया, उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, उन्होंने काफी सारी चैंपियनशिप जीती है, लेकिन फिलहाल जब से यूके में से वापस आए उनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा, और कह सकते हैं उनको एक अच्छी बुकिंग की जरूरत है, लेकिन फिलहाल किंग कॉर्बिन ने जीत हासिल करी। ओवरऑल गाइस अगर मैं शो की बात करूं तो मतलब ना बेकार था ना अच्छा था, एवरेज से मैं इसे ऊपर ही बोलूंगा, और वैसे भी क्योंकि यूके में जाकर करना था तो WWE को वैसे भी काफी सारे इश्यूज पंगे वगैरह होते हैं, तो ठीक ठाक है
कह सकते हैं ठीक ठाक शो था, एंजॉय करने वाला था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से आप लोग इसे कितने स्टार रेटिंग देना पसंद करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक की बनेगी मैं जाना, साथ ही साथ आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।